नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की प्रमुख सुर्खियाँ। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के गगनिया पंचायत बिहार सरकार के द्वारा 2020 को 24 अगस्त को डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था और बिहार सरकार के आदेश पर बिहार में हर पंचायत में उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय को तब्दील किया गया था ताकि बच्चे प्रथम से लेकर दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। बिहार बोर्ड के द्वारा 2020 में भी बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए 60 विद्यार्थियों का नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन किया गया था। 2021 में भी 80 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, लेकिन 6 शिक्षकों के भरोसे प्रथम क्लास से लेकर दसवीं क्लास तक के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या 556 से अधिक होने से बच्चों की भविष्य दांव पर लगी हुई है। 2022 मार्च में बिहार बोर्ड की परीक्षा भी विद्यार्थियों को देना भी है। बच्चों के अभिभावक हैं परेशान, बच्चे के भविष्य देखते हुए हो रहे हैं हैरान। बिहार की शिक्षा मंत्री को बच्चे की पढ़ाई पर सरकार के दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक? मंत्री के द्वारा इसको क्या करना चाहते हैं आप? सर, हम उस दिन से सोच रहे थे सब लड़का, मेरी बच्ची पूजा कुमारी पढ़ती है स्कूल में 9th, सर को बोलने के लिए आज आए हैं कि सर मेरी बच्ची पढ़ नहीं रही है, कैसे पास होगी मैट्रिक में। बोले कि मेरे पास में टीचर नहीं है, आप सब ग्रामीण लोग विधायक को बोलिए, एमपी को बोलिए, वही इसीलिए हम सब पूरे ग्रामीण जुटे हुए हैं। तुम मान लीजिए शिक्षक नहीं है, पढ़ाई कैसे होता है बच्चे का, जब कैसे लिया जाता है एजुकेशन बोर्ड का एग्ज़ाम होना है 2022 में? सर, स्कूल का तो नियम है, वो स्कूल बनाए हैं तो एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही जी। नहीं, आपका शुभ नाम? प्रीतम कुमार मंडल। और कोई बोलना चाहते हैं? सर बताइए कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो हाई स्कूल का निर्माण किया गया 2020 में और जो 24 अगस्त को पूर्व डिप्टी सी एम के माध्यम से उद्घाटन किया गया, अभी तक जो क्लास में चल रहा है, फिर भी बिहार सरकार बोर्ड एग्जाम लेने के लिए तत्पर है, इसमें क्या बच्चे क्यों भविष्य की प्राप्त कर सकते हैं? जिस समय विद्यालय का उद्घाटन हुआ था उसमें हमारे पदाधिकारी के द्वारा बातचीत हुई थी पत्रकारों का, तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ प्रतिनियोजन में शिक्षक आ जाएंगे, फिर प्रतिनियुक्ति होगी यहाँ पर टीचरों के आ जाएंगे। लेकिन 2020 नवंबर में 80 बच्चे के नाम जितने हम लोग स्टाफ हैं उसी में से कुछ लोग जाते हैं क्लास करने के लिए क्योंकि बाधित ना हो बच्चे को पढ़ाई लिखाई। मेरे यहाँ भी तो बहुत ज़्यादा बच्चा है, 1 से 8 तक भी बहुत ज़्यादा बच्चा है, इनका भी क्लास बाधित नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम बच्चे को नहीं जो देना चाहिए नहीं दे पाते सिस्टमेटिक ढंग से, हम लोग नहीं दे पाते। तो हमारे लिए परेशानी कारण कि बच्चे को मैट्रिक परीक्षा में विद्यालय में विषयवार शिक्षा होना चाहिए और कम से कम अभी तत्काल ना हो तो बच्चे का आगामी मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य विद्यालय से प्रतिनियुक्त किया जाए शिक्षकों को, जिससे कि हमारा बच्चे को साइंस पेपर और जो है भाषा विषय जो है विज्ञान का पढ़ाई आराम से हो सके। मैं तो प्रधानाध्यापक हूँ और मेरे अलावे 5 और शिक्षक हैं, सब मिला के 6 शिक्षक हैं। कहा जाए तो बड़े 1 से लेकर 10 तक वहाँ पर 6 शिक्षक हैं कार्यरत। सर जी, सर आपका विनोद कुमार राम। आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के
लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24।